सूरज और चकोर के सामने आई एक नई मुसीबत। जी हाँ, सूरज से खुश होकर आज कर्नल सूरज को ले आए हैं अपने घर, वो भी एक खास मकसद के साथ। दरअसल आज कर्नल ने सूरज और नैना की शादी कर दी है तय, और साथ ही सुना दिया है फरमान कि सूरज और नैना की शादी एक हफ्ते के अंदर ही होगी। अब इस बात से सूरज और चकोर दोनों ही हो गए हैं बेहद परेशान। चलिए अब सभी से एक एक करके करते हैं बात और जानते हैं अपने सवालों के जवाब। सबसे पहले सूरज से ही जानते हैं कि नैना के साथ शादी करने का फरमान उन्हें मिल चुका है, ऐसे में अब वो क्या करेंगे? उसे ये तो नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी उन्होंने तय कर लिया है शादी करने के बारे में, तो शौक है उसके लिए। और इधर आने से पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट थी सूरज के लिए करना, तो अब वो सोच रहा है कि ये कहीं फंस तो नहीं जाएगा। अगर शादी करनी पड़ गई तो बहुत बड़ा, क्योंकि सूरज इज ऑलरेडी मैरिड टू चकोर एंड ही डजंट वांट टू डू दिस। मिशन एक हफ्ते में कंप्लीट नहीं हो सकता, तो शादी अगर करनी पड़ गई जबरदस्ती तो क्या करेगा सूरज, तो ही इज शॉक्ड। कर्नल साहब, जरा ये तो बताइए कि आपको सूरज में ऐसा क्या देखा जो आपने अपनी इकलौती बेटी की शादी सूरज के साथ तय कर दी? कर्नल ऑब्वियसली वो चाहेगा कि उसकी जो बेटी है उससे शादी करे, क्योंकि ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिज डॉटर। और ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप कर्नल साहब के सामने अब उसकी बेटी को आई लव यू बोल दे और उसका कोई नतीजा ना निकले। तो कर्नल तो चाहेगा ही कि ये शादी हो जाए, बिकॉज उसने अभी जो एपिसोड आएगा ही इज़ पुट हिम अंडर अ टेस्ट, अ वेरी सीवियर टेस्ट, और वो टेस्ट पार कर चुका है, तो उसे वो घर पर ले आया है और अब आगे देखिए क्या होता है। चलिए चकोर, अब आप भी बता ही दीजिए कि आपका क्या रिएक्शन होगा अपने पति की दूसरी शादी की खबर सुनकर। क्या रिएक्शन होना चाहिए? ऑब्वियसली मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं बहुत शॉक हो जाऊंगी, व्हिच इज क्वाइट नेचुरल। उसके बाद देखते क्या होता है। वैसे चकोर, अगर सूरज ने शादी के लिए हाँ कह दिया तो आप क्या करेंगी? सूरज से गुस्सा नहीं होंगी, क्योंकि मैंने खुद सूरज को बोला है कि जाओ करो इस मिशन के लिए जो भी करना है, और ये तो बात हुई है शादी करने की, अभी शादी हुई नहीं है। तो जब बात हुई है तो मैं भी जानती हूँ कि सूरज खुद गुस्सा हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है और सब कुछ। तो ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि मैं पहले सूरज से बात करूँ, उसे शांत करूँ और खुद भी अपने आप को समझा लूँ। वेल चकोर, आपका प्लान तो आप पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है, कहीं इस मिशन को पूरा करते करते आप अपने पति सूरज को ना खो बैठे।